हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ। StudyIQ के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट की। अमेरिका हर साल, अमेरिका का संगठन है USCIRF, वो हर साल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट निकालता है, जिसमें अमेरिका को छोड़कर जो दूसरे कंट्रीज हैं सारे, चाहे वो यूरोप के हों, अफ्रीका के हों, एशिया के हों, उनमें धार्मिक आज़ादी, धार्मिक सद्भावना, उसका क्या स्टेटस है, उसके बारे में अमेरिका अपनी ऑब्जर्वेशन, अपने कमेंट देता है। इस बार भी कुछ नया नहीं है, रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट आई है, अप्रैल 2019 में बनी थी लेकिन रिलीज अभी अभी हुई है, तो उसमें भारत के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, उनको देखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे कि वो कितने सही हैं और भारत की क्या प्रतिक्रिया उस पर रही, उसको देखेंगे। हम इस पर भी नज़र डालेंगे कि जो डिप्लोमेसी है दोनों देशों के बीच में, जो रिश्ते हैं, इसका उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस वीडियो को मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर गौरव गर्ग। ये वो रिपोर्ट है जो रिलीज हुई है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये जो रिपोर्ट है ये दिखाता हूँ। ये है ये रिपोर्ट, इसका मैंने PDF डाउनलोड किया है ऑफिशियल वेबसाइट से। और इस रिपोर्ट में, वैसे तो बहुत बड़ी रिपोर्ट है, आप ऊपर देख सकते हैं 234 पेज हैं इसके अंदर, लेकिन इसमें इंडिया के बारे में जो दिया है वो एक स्पेसिफिक पेज पर दिया है, और वो है पेज नंबर, आप यहाँ पे देख सकते हैं 174। तो चलिए देखते हैं इंडिया के बारे में क्या लिखा है पेज नंबर 174 पर। मैं ये पूरी रिपोर्ट पढ़ चुका हूँ और मैंने अंडरलाइन भी कर लिया है कि आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, और मैं चाहूँगा कि आप इसको एक निष्पक्ष दिमाग से देखने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार एक ऐसी टेंडेंसी भी हो जाती है कि हमें लगता है कि हमारे देश के खिलाफ जानबूझ के गलत लिखा जा रहा है, या लेकिन एक बार पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो अमेरिका है वो कहना क्या चाह रहा है। तो हम यहाँ पे पहुँच गए इंडिया के ऊपर। यहाँ पे देखिए, मैंने अंडरलाइन कर दिया जो इम्पोर्टेंट है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत में जो धार्मिक आज़ादी है, रिलीजियस फ्रीडम, वो नीचे जा रही है, उसमें डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। भारत हमेशा से एक सेकुलर डेमोक्रेसी रहा है, ठीक है, हर धर्म को पूरी आज़ादी है हर तरह की, लेकिन ऐसा देखने को मिला है कि रीसेंट ईयर्स में जो धार्मिक आज़ादी है उस पर अंकुश लगा है। भारत में जो इनटॉलरेंस है वो बढ़ी है, जो सरकार है वो मॉब वायलेंस, यानी जो भीड़ तंत्र न्याय करते हैं, जो मॉब लिंचिंग करते हैं, उनको एनकरेज करती हुई नजर आ रही है, खास तौर पे जो मॉब वायलेंस रिलीजियस माइनॉरिटीज के खिलाफ होता है। रिलीजियस माइनॉरिटीज क्या फेस कर रहे हैं? वायलेंस, इंटिमिडेशन एंड हैरेसमेंट, यानी कि उत्पीड़न, डर और भय और वायलेंस, खास तौर पे जो नॉन हिंदू हैं और जो दलित हैं, यानी लोअर कास्ट हिंदू। यहाँ पे लोअर कास्ट हिंदू का मतलब दलित है, शेड्यूल कास्ट है। उसके बाद ये कहा गया है कि बहुत सारे जो राज्य हैं भारत के, वो एंटी काओ स्लॉटर कानून जो है उनको बहुत ज्यादा भीषण तरीके से लागू कर रहे हैं, क्लियर, और एंटी कन्वर्जन लॉज बनाए जा रहे हैं। ये काओ प्रोटेक्शन के जो मॉब हैं, ये मेनली मुस्लिम्स और दलित्स को टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पर भी इन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी जो मॉब वायलेंस है उसको, उसका खंडन नहीं किया, उसको डिक्राई नहीं किया, उसको कंडेम नहीं किया। इसके अलावा जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं वो इन्फ्लेमेटरी लैंग्वेज यूज करते हैं, यानी भड़काऊ भाषण देते हैं, क्लियर, रिलीजियस माइनॉरिटीज के खिलाफ, और ये पब्लिकली चलता है। इसके अलावा उन्होंने इंडिया को रखा है Tier 2 में, क्योंकि वहां पे रिलीजियस फ्रीडम कम है, तो Tier 2 कैटेगरी में रखा है US ने इंडिया को, और इंडिया को कहा है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, यानी कि अमेरिका जो है भारत में धार्मिक आजादी को लेकर चिंतित है। अमेरिका की सरकार ने भारत को कुछ हिदायतें दी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि वो USCIRF की डेलीगेशन को इंडिया आने दे और अमेरिका भारत से बातें करे, न्याय प्रक्रिया काफी मजबूत हो, मानवाधिकारों के जो कानून है उनको फॉलो किया जाए। तो इस तरह से काफी सारे जो हैं भारत को हिदायतें भी दी गई हैं। इन्होंने डेटा भी दिया है कुछ। इन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्रवादी ग्रुप, इन्होंने नाम लेके कहा है RSS, विश्व हिंदू परिषद इत्यादि, ये जानबूझ के रिलीजियस वायलेंस और रिलीजियस प्रोसिक्यूशन को बढ़ावा दे रहे हैं। इनको ये जिसको टारगेट कर रहे हैं वो है मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और लोअर कास्ट हिंदूज। इसके अलावा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा भी इन्होंने कोट किया है। इन्होंने कहा है NCERT के हिसाब से भी जो
वायलेंस है, कम्युनल वायलेंस, वो बढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल, फरवरी 2018 में जो उस वक्त राजकीय मंत्री थे गृह मंत्रालय में, हंसराज अहिर, उन्होंने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया कि 2017 में 822 कम्युनल क्लैशेज हुए इंडिया में, छोटे लेवल के जो दंगे हैं वो हुए 822, इनमें लगभग 2500 लोग जो है वो जख्मी हुए और 111 लोग मारे गए। ये खुद हंसराज अहिर ने पार्लियामेंट को कहा था। और अगर उससे पिछले साल देखें तो 86 लोग मारे गए थे और 2321 लोग इंजर्ड हुए थे, टोटल 703 कम्युनल क्लैशेस के मामले सामने आए थे। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि वो एनजीओ या मानवाधिकारों का जो रक्षा करती हैं, ऐसे एनजीओ या मानवाधिकारों के लिए जो लड़ती हैं, सिविल लिबर्टीज के एडवोकेट्स, उनको इंडिया में बैन किया जा रहा है। यहाँ पे ऐसा कहा है कि लगभग 30,000 से ज्यादा एनजीओ हैं भारत में जिनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। और कुछ केसेस इन्होंने मेंशन किए हैं, जैसे हादिया का केस था, हादिया का जो केस था कन्वर्जन के ऊपर वो झूठा निकला बाद में, और इस तरह के बहुत सारे केसेस भी इन्होंने मेंशन किए हैं। गौ हत्या के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है, और वो ये कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 48 है वो काउ स्लॉटर को प्रोहिबिट करता है, यानी आप गौ हत्या नहीं कर सकते हमारे संविधान के अनुच्छेद 48 के हिसाब से। इसीलिए भारत के 29 राज्यों में से 21 राज्यों में गौ हत्या जो है वो प्रोहिबिटेड है, बैन है। इसमें यह भी कहा गया है कि हालांकि ये कोई नई बात नहीं है कि गौ हत्या के कानून पुख्ता किए जा रहे हैं, लेकिन जो लिंचिंग हो रही है काउ स्लॉटर के नाम पे, ये एक नई चीज है। इन्होंने वर्ड यूज करे हैं, काउ प्रोटेक्शन मॉब्स आर अ न्यू फिनोमेना, जो सिर्फ अभी देखने को मिल रहा है, पहला लिंचिंग देखने को नहीं मिलती थी। तो यहीं पे ये रिपोर्ट खत्म होती है। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की बातें इस रिपोर्ट में कही गई हैं। इनफैक्ट इसमें एनआरसी का जिक्र भी किया गया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, असम के अंदर जो एनआरसी है उसकी भी इन्होंने निंदा करी है, क्योंकि एनआरसी ये कहता है कि आपके जो जो नॉन मुस्लिम्स हैं तीन देशों के, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो भारत में आके रह सकते हैं, लेकिन उसमें मुस्लिम्स के खिलाफ इसको भेदभाव बताया गया है, डिस्क्रिमिनेशन बताया गया है। इससे पहले मैं आपको एनालिसिस दूं, ये भी आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हो रहा है, या ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जो है उसने ऐसा कहा है। आपको याद होगा बैरक ओबामा जो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, डेमोक्रेट पार्टी के थे, उन्होंने भी भारत के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया था। उन्होंने वर्ड यूज किए थे कि भारत के अंदर जो इंटॉलरेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, इंटॉलरेंस के जो एपिसोड्स हैं बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने वर्ड यूज़ किए कि अगर आज महात्मा गांधी जिंदा होते तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते और बहुत ज़्यादा वो चिंतित होते। इसके बाद भारत की कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली, बहुत लोगों ने ओबामा पर इल्ज़ाम लगाए कि वो बायस्ड हैं। ओबामा ने यह भी कहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यूज़ करी थी उस वक्त, इंडिया विल सक्सीड सो लॉन्ग एज इट इज नॉट स्प्लिंटर्ड ऑन रिलीजियस लाइंस, जिसका हिंदी में मतलब ये है कि भारत तभी आगे बढ़ सकता है, तभी एक समृद्ध देश बन सकता है, अगर वो धार्मिक सद्भावना रखे और बंटवारा ना हो धर्मों के बीच। ये वर्ड उन्होंने यूज किए थे, इफ इंडिया इज नॉट स्प्लिंटर्ड ऑन रिलीजियस लाइंस। तो ओबामा ने भी ऐसा कहा था, और अब डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है वो भी इसी तरह के संदेश दे रही है। क्या अमेरिका ने सिर्फ भारत को क्रिटिसाइज किया है? नहीं, अमेरिका ने चाइना के ऊपर भी सवाल उठाए हैं, और चाइना में आपको पता होगा कि लगभग 8 से 10 लाख जो उइघुर मुस्लिम हैं उनको चाइना ने बंदी बना रखा है, उनकी हैबिट्स, उनके जो भी रिलीजियस बिलीफ्स हैं उनको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए एक वर्ड यूज़ करा है, सिनिसाइज, यानी चाइना उन्हें जैसे हन चाइनीज हैं उनकी तरह बनाना चाह रहा है। वहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स एब्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, और एक सर्वेलेंस स्टेट बना रखा है, उन पे लगातार नज़रें रखना, उनको रोज़ा अटेंड ना करने देना, उनको हज की यात्रा करने से रोकना, तो उनके रिलीजियस बिलीफ्स को चेंज करने की कोशिश भी की जा रही है। तो अमेरिका ने चाइना को भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है इस रिपोर्ट के अंदर। इंडिया का क्या रेस्पॉन्स है? अमेरिका के इस रिपोर्ट के खिलाफ भारत ने कैसे रिएक्ट किया है? ये रिएक्शन 3 लेवल्स पर देखा गया। सबसे पहला तो ऑफिशियल रेस्पॉन्स, भारत सरकार का ऑफिशियल रेस्पॉन्स क्या है। तो जो हमारा विदेश मंत्रालय है उनके स्पोक्सपर्सन रवीश कुमार जो हैं उन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट में कुछ भी विश्वसनीय नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने कहा, भारत हमेशा से एक सेकुलर कंट्री रहा है और उसे इस बात पर गर्व है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, भारत एक बहुत ही ज़्यादा प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, डाइवर्स सोसाइटी है,
बहुत ज़्यादा यहाँ पे विविधता है और काफ़ी ज़्यादा सहिष्णुता यानी टॉलरेंस है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को ये कोई हक नहीं है कि वो एक कंट्री के ऊपर इस तरह से, वो कंट्री जो कॉन्स्टिट्यूशनल अपनी वैल्यूज़ को अपहोल्ड करता है उसके ऊपर इस तरह के कमेंट्स करें। तो ये तो रेस्पॉन्स है भारत की सरकार का। दूसरा रेस्पॉन्स कि जो रूलिंग पार्टी है अभी NDA, उसका क्या रेस्पॉन्स है? बीजेपी ने कहा है कि ये जो रिपोर्ट है ये सरकार के खिलाफ बायस्ड रिपोर्ट है और अमेरिका जो है भारत को एक तरह से अपनी बायस दिखा रहा है। ये रिपोर्ट पूरी तरह से उन्होंने झुटलाई, उसको इग्नोर किया है। बीजेपी का ऑफिशियल रेस्पॉन्स ये है। और तीसरा रेस्पॉन्स जो है वो भारत की पब्लिक का। अब पब्लिक में डिपेंड करता है कि डेफिनेटली अगर वो रूलिंग पार्टी के फेवर में है तो वो इस रिपोर्ट को झुटलाएंगे और वो कहेंगे इसमें शायद अमेरिका की कोई साजिश हो सकती है, और जो सरकार के हिमायती नहीं है वो डेफिनेटली इस रिपोर्ट को वेलकम करेंगे और सरकार को कहेंगे कि वो थोड़ा सा आत्म अवलोकन करें। अब देखते हैं इसका एनालिसिस क्या है। देखिए, इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि ये एक टफ डिप्लोमेसी है अमेरिका की, ये भारत के ऊपर दबाव डालने की कोशिश है। आप जानते हैं कि माइक पोम्पियो जो हैं वो भारत आ रहे हैं 25 जून को, यानी कि कल। और ये भारत क्यों आ रहे हैं? ये भारत इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो ओसाका है जापान में, वहाँ पे G20 समिट होने वाला है। और G20 समिट में ऐसा माना जा रहा है कि उसके साइडलाइंस पे डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग होगी। ये प्रधानमंत्री मोदी के दोबारा चुने जाने के बाद पहली मीटिंग है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। इस मीटिंग को काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, तो मीटिंग से पहले भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए ये रिपोर्ट की जो टाइमिंग है उसको क्वेश्चन किया गया है कि ये रिपोर्ट अभी क्यों रिलीज हुई है, इसकी टाइमिंग को क्वेश्चन किया गया है। तो किस तरह के दबाव जो है भारत पे अमेरिका डालना चाहता है? सबसे पहला विद रेस्पेक्ट टू ट्रेड, जो भारत है उसका अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है। ट्रेड सरप्लस मतलब ये है कि भारत अमेरिका से जो इम्पोर्ट है वो कम करता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है। ये बात अमेरिका को मंजूर नहीं है, तो अमेरिका ट्रेड बैलेंस करने की बात भारत के साथ कर रहा है और ट्रेड वॉर एक छोटे लेवल पर भारत और अमेरिका के बीच चल ही रहा है। इसके अलावा ईरान से हमने तेल खरीदना अमेरिका के दबाव में बंद कर दिया है। इनफैक्ट आज ही सुबह भारत का जो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान के ऊपर से भारत के विमान भी नहीं उड़ेंगे, यानी ईरान की जो एयर स्पेस है वो भी यूज़ करने से मना किया है। भारत पे इस बात का भी प्रेशर डाला जा रहा है कि वो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया से ना खरीदे, लेकिन भारत ने इसको नकारा है और भारत ने साफ कर दिया है कि वो रशिया से ये डिफेंस सिस्टम खरीदेगा। तो इसको इस तरह की कोशिश भी देखी जा रही है कि रशिया के साथ जो भारत है वो ज़्यादा आगे ना जाए, ईरान के साथ भारत ज़्यादा आगे ना जाए। ये वो समय है जब भारत अमेरिका को नाराज़ बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि हमने अमेरिका के साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए हैं, जैसे लेमोआ एग्रीमेंट साइन किया है और कॉमकासा साइन किया है, और तीसरा एग्रीमेंट हम साइन करने वाले हैं जिसको बोलते हैं बैका, BECA। तो इस वक्त भारत जो है अमेरिका के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, और ऐसे में भारत की तरफ से कोई भी ऐसी कोशिश नहीं हो सकती कि वो अमेरिका को इस वक्त नाराज़ करे। हालांकि ये रिपोर्ट पूरी तरह झूठी है ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत में ये जो फिगर कोट की है अमेरिका ने ये ऑफिशियल सरकार के फिगर हैं, जैसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इत्यादि के। और इंडिया की अगर आप रैंक देखें तो अभी ग्लोबल पीस इंडेक्स आया है, उसमें भारत की रैंक है 163 देशों में 141, यानी 163 देशों में भारत नीचे से 22वें नंबर पे है, यानी भारत सबसे अशांत देशों में से दुनिया के है। लगभग हमारी 70% पॉपुलेशन ऐसे एरियाज में रहती है जहाँ पे किसी भी तरह की इंसर्जेंसी चल रही है, चाहे वो नक्सल इंसर्जेंसी हो चाहे वो टेररिज्म से प्रभावित हो। तो ऐसे में हमें थोड़ा सा आत्मावलोकन करना है, और अगर आप पिछले साल के कंपैरिजन में देखें, 2018 के कंपैरिजन में, तो हमारी जो ग्लोबल पीस इंडेक्स में रैंकिंग है वो नीचे गई है, 136 से नीचे होकर 141 गई है। तो आने वाले दिनों में हम इस पे कंटिन्यू करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे कि इसमें क्या प्रोग्रेस चल रही है, और माइक पोम्पियो की जो विजिट है कल उस पे भी हम एनालिसिस देंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में लिख के अपनी राय दे सकते हैं। कोशिश करिए आपके कमेंट्स जो हों वो एजुकेटेड कमेंट्स हों, किसी तरह का गाली गलौज या एक दूसरे के ऊपर किसी तरह का एब्यूज़ ना हो, एब्यूज़ का इस्तेमाल ना हो किसी तरह का। और मैं आपको बता दूं हमारे जो पेनड्राइव कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं विभिन्न एग्जाम्स के लिए। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे UPSC, स्टेट PCS, लगभग 130 से ज़्यादा एग्जाम्स के लिए हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं studyiq.com। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगले वीडियो में।